वेलकम टू आसियान आर्ट, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड फॉलो। अब हम पिछले गले में ये जो हमने तिरछा कपड़ा काटा है इसको जोड़ेंगे। ये जो हमने तिरछे कपड़े की कटिंग की है, ये जो कुली साइड है इसको हम गले के साथ रखते हुए ये एक पैर के फासले पर इस निशान के मुताबिक हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर जो सीधे साइड है दोनों कपड़ों का एक जैसा होना चाहिए, यानी एक तरफ पे दोनों को रखना है। इसके बाद जो हमने निशान लगाया है इसके ऊपर हम गोलाई में इसकी सिलाई करेंगे। अब हम ये जो ऊपर हमने जो कपड़ा लगाया है इसके ऊपर हम यहाँ पर इसकी सिलाई करेंगे। ये इसकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारे पास पिछला गला है। अब हमने इन दोनों गलों को आपस में जोड़ना है, यानी इन दो कंधों को आपस में जोड़ना है। इसके लिए जो हमने सिलाई लगाई है उसको करीब रखते हुए इन दोनों कंधों को आपस में एक इंच के फासले पर सिलाई लगा के जोड़ना है। इसी तरह दूसरी साइड पर भी हम इन दोनों गलों को आपस में मिलाते हुए, ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आने चाहिए, बिल्कुल पास ही रख के हमने एक इंच के फासले पर सिलाई लगानी है। ये हमने कंधों को जोड़ लिया है। अब इस कपड़े को फोल्ड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहले हम इसमें एक तरीका करेंगे, इसको फोल्ड करके इसी तरह से इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी साइड पे हम इसको दूसरे तरीके से फोल्ड करेंगे, यानी इसको सीधा करके यूं घुमा के फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे पास कंधा जोड़ने का दूसरा तरीका है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे पास पिछले गले की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है।
और ये हमारे पास चकोर गले की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। अब हम जो हमने ये बॉक्स बनाया है इसकी हम सिलाई करेंगे। ये हमने इसकी सिलाई करके इसको प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसकी तुरपाई करके इस सिलाई को उधेड़ लेंगे। ये हमारे पास पिछला गला है। और ये हमारे पास फ्रंट है चकोर गले का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन।